पोटका के बांसिला और केंद्रमुनी गांव के स्थित दुख नदी पर जलपूर्ण बनेगा। आपको बता दें कि विधायक सचिव सरदार ने इसका शिलान्यास किया है और कहा है बरसों पुरानी ग्रामीण की मांग थी। वहीं ग्रामीणों ने कहा आजादी के बाद पहली बार पुल का निर्माण होने जा रहा है, जिसको लेकर गाँव के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। पहले लोग नदी पार कर रहे थे, अब आने जाने में उन्हें काफी राहत मिलेगी। माननीय विधायक संजीव सरदार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय विधायक संजीव, चलो चलो चलो। बहुत ही वर्षों पुरानी मांग थी जिस सौदा ग्राम पंचायत के बांसिला गांव टोला पोलाड़ी में और उसके बीच में जो ऊपर में तिरिल्डी गांव है, इसी बीच में एक पुलिया बनने से हम लोग का बहुत ही फायदा होगा। बरसात काल में तो ये पुलिया इस क्षेत्र से उस क्षेत्र हम लोग को जाने में बहुत काफ़ी कठिनाई होती है। बच्चों को स्कूल जाने में, किसी मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचाने में काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन आज हमारे माननीय विधायक जी के प्रयास से आज हमारे भूमि पूजन हुआ और पुलिया बनने से हम लोग को बहुत ही फायदा होगा। जनसभा अंतर्गत इस पोटका प्रखंड के बांसिला और केंद्रमुनी के बीच में एक दूध नदी है, उस दूध नदी के ऊपर पुलिया निर्माण का आज शिलान्यास किया गया। और ये काफ़ी दिन से, काफ़ी सालों से भारत आज़ाद होने के बाद से इस क्षेत्र के लोग, इस गांव के लोग ये पुल को मांग करते हुए आ रहे थे, लेकिन हो नहीं पाया था। और जैसे इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी, वैसे ही इस पुल को माननीय मुख्यमंत्री स्वीकृति देने का काम किए हैं। और मैं बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। जैसे ही हमने अनुशंसा किया वैसे ही इस पुल को देने का काम किए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि वर्षों का मांग पूरा होने के साथ साथ इस क्षेत्र के जो बहुत दूरी से आज ये लोग स्कूल हो चाहे बाजार हो जाने का काम करते थे, पुलिया बन जाने के बाद इन लोग को सीधी संवाद